यूपी इंटरमीडिएट इंग्लिश की बुक में मर्चेंट ऑफ वेनिस प्रिस्क्राइब किया गया है, जो यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी छात्र हैं उनके लिए जो है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है। ये कॉमेडी है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ऐसे शेक्सपियर ने जो है बहुत सारा जो है प्ले में जो है तीन तरह का प्ले उसने लिखा है। एक तो जो है कॉमेडी है उसका, एक ट्रेजडी भी है, और ख़ास करके जो है उसकी ट्रेजडी और कॉमेडी जो है हमारा जो है ज़्यादा माने रखता है। एक हिस्टोरिकल प्ले है, तो हिस्टोरिकल प्ले जो है बहुत कम है, लेकिन कॉमेडी और ख़ास करके जो है ट्रेजडी जो है हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन में भी उसका जो है महत्व है। तो यह हम जानना चाहें कि आखिर मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है टोटल हमारा 8 मार्क्स का होता है, यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है एग्जामिनेशन के से रिलेटेड होता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक कॉमेडी है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो है कुछ कैरेक्टर्स हैं मिस्टर ऋषभ, देर आर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, दे प्ले देयर डिफरेंट रोल, एंड नाउ हियर आर द कैरेक्टर्स ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नाउ द कैरेक्टर्स, फर्स्ट अंटोनियो। अंटोनियो रियली व्हाट टू से अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अंटोनियो, डाउटलेस ही प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस कॉमेडी। अंटोनियो अ वेल्दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का जो है बहुत ही धनी और अच्छा जो है, उसका मेन वजह क्या है, वह बहुत सैड है। ही वॉज वेरी सैड सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स, ही वॉज वेरी सैड एंड ऑल द फ्रेंड्स ऑफ अंटोनियो दे वॉन्ट टू नो द सैडनेस ऑफ अंटोनियो, वाई ही वॉज सो सैड, एंड मैनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन प्रेजेंटेड बिफोर हीम टू टेल मी वॉट हैपन, वाई आर यू सैड, बट आफ्टर ऑल ही डिडंट डिस्क्लोज द सीक्रेसी ऑफ हिज सैडनेस। उसका वजह यह था कि वह जो है धनी तो था, उसका पूरा पैसा जो है एक जहाज पर जो है वो खर्च कर दिया था व्यवसाय में, और उसके पास पैसे नहीं थे। और उसी समय उसका एक दोस्त है जिसका नाम बसेनियो है, तो बसेनियो जो है उससे डिमांड करता है, नाउ बसेनियो अर्ज करता है, डिमांड करता है कि लेट मी प्रोवाइड मी सच अमाउंट। वो बेलमोंट जाना चाहता है, बसेनियो वांटेड टू गो बेलमोंट बिकॉज बेलमोंट में एक रिच लेडी रहती है जिसका नाम पोर्सिया है, एंड शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी, तो उससे जो है वो शादी करना चाहता है, और वहाँ पर बेलमोंट के एक धनी परिवार की वो बेटी है पोर्सिया। तो इस तरह से जो है हमारा अंटोनियो का जो है करेक्टर जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है मायने रखता है। सेकेंड है बसेनियो, बसेनियो जो है उसका बोजूम है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ अंटोनियो है, दोनों जो है एक दूसरे के जो है आधी रोटी की दोस्ती है, माने उसको कहना क्या है, एक साथ बैठना खाना पीना सब कुछ उनका एक साथ ही रहता है। तो अब अच्छे दुख सुख दोनों में जो है शेयर करते हैं, ऑलवेज दे टेक देयर शेयर ऑल वरीज और हैप्पीनेस वो लोग शेयर करते हैं, तो बसेनियो का बहुत ही अच्छा रोल है। सेकंड थर्ड है सैलेनो, और सैलेरिनो के साथ जो है वो बैठा हुआ है और वहाँ पर काफ़ी सैड है, ये भी उनके दोस्त हैं फ्रेंड है सैलेनो और सैलेरिनो। खास करके इनके जो फ्रेंड्स हैं जैसे ग्रेसिनो है, सैलेरिनो है या सैलेनो है या ये है लोरेंजो है, ये सब उसके अपने रियल फ्रेंड हैं, और उनके अच्छे बुरे दिनों में उनका साथ देने के लिए मतलब कि वचनबद्ध हैं। तो इस तरह से ये सारे फ्रेंड्स जो है एक जगह बैठ करके और आपस में ये उस पर कमेंट करते हैं अंटोनियो पर कि आखिर ये दुखी क्यों है। वह यह नहीं जानते थे कि शायद वह बसेनियो को कहा है कुछ पैसा देने के लिए, कहाँ से दिलवाएगा, उसके पास पैसे भी नहीं है क्योंकि वो पैसा जो है अपना जहाज पर खर्च कर चुका था व्यवसाय में। समस्या उसके साथ बहुत जटिल था, कॉम्प्लिकेटिव मैटर उसके सामने पड़ा हुआ था, वॉज लाइंग बिफोर हिम कि हाउ विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और उसके लिए जो है वो कहता है कि ठीक है किसी नोबल फैमिली के जो है किसी रिच फैमिली से जो है मैं क्रेडिट करूँगा कुछ उधार करके, और बसेनियो मैं तुमको दे दूँगा।
तो इस तरह से जो है ग्रेसिनो का और लोरेंजो और ये सारे उसके फ्रेंड है। साइलॉक जो है उसका सबसे जो है दुष्ट और क्रूएल, साइलॉक हमारा उसमें सबसे बैड कैरेक्टर्स का साइलॉक का है, जिसमें साइलॉक का मेन ये है कि वह जो है अंटोनियो से बदला लेना चाहता है, और वह बहुत ही दुष्ट उसका जो है सोच है, करेक्टर उसका जो है सही नहीं है। वो चाहता है कि हम कैसे जो है इसको जो है हम डाउनफॉल में डाल दें, कैसे इसको हम परेशान करें, क्योंकि वो बदले की भावना में जल रहा है। नाउ साइलॉक वॉज इन ए ग्रेट रिवेंज, एनी हाउ ही वॉन्ट्स टू गेट द रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो से जो है एक बदला लेना चाहता था। और सेकंड है कि पोर्सिया, तो पोर्सिया जो है ब्यूटीफुल लेडी थी, बेलमोंट की थी, बहुत रिच लेडी थी, ठीक है। सेकंड चीज है नैरिशा है, नैरिशा जो है वो असिस्टेंट है हमारी, जो है पोर्सिया की असिस्टेंट का नाम जो है नैरिशा है, नैरिशा जो है उसका जो है। और उसके बाद जो है जेसिका है, जेसिका जो है साइलो की यंग डॉटर है, एक नौजवान बेटी है साइलो की है। और लास्ट में जो है हमारा जो है एक रोल और होता है बाल्थजर का, बाल्थजार जो है, बाल्थजार जो है एक नौकर है पोर्सिया का, बाल्थजार वाज सर्वेंट ऑफ पोर्सिया। ये हमारे सारे करेक्टर्स हो गए हैं। तो खास करके 12th के एग्जामिनेशन में करेक्टर स्केच करने के लिए आता है, स्केच द करेक्टर्स ऑफ पोर्सिया, स्केच द करेक्टर ऑफ अंटोनियो एंड बसेनियो। तो सच द प्रॉब्लम्स इज हियर कि एनी हाउ टू नो द व्हाट इज द व्हाट दे हैव प्लेड देयर रोल इन दिस कॉमेडी एंड व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ दिस कॉमेडी। नाउ कम टू द पॉइंट, ऐसे जिसने लिखा है उसका वो बहुत ही सोच समझ करके इस जो है कॉमेडी को लिखे थे, शेक्सपियर। द शेक्सपियर को कहा जाता है शेक्सपियर इज वन ऑफ द ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो है एक महान ड्रामाटिस्टों में से था। इसको फादर ऑफ मतलब कि प्ले कहा भी जाता है, फादर ऑफ ड्रामा मॉडर्न में नहीं बल्कि मेडिवल हिस्ट्री में, और ख़ास करके इंग्लैंड में जो है इसको आज भी जो है उसको जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसने जो है शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हिज प्लेस कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री आस्पेक्ट्स और थ्री हेडिंग्स में। फर्स्ट है कि जिसका प्ले जो है एक ट्रेजडी में होता है। ट्रेजडी है क्या, व्हाट इज ट्रेजडी? नाउ हियर इज द क्वेश्चन, इफ समवन इज आस्किंग यू कैन यू डिफाइन दैट व्हाट इज द ट्रेजडी, तो दैट वन प्रॉब्लम कम्स बिफोर द स्टूडेंट्स, बिकॉज विदाउट नोइंग नथिंग एल्स ऑफ द ट्रेजडी, इफ यू से दैट आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग द ट्रेजडी, बट दैट इज नॉट एनफ फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ कम tragedy means such type of a story in which sadness is involved. Ha, yeah, yeah, it is correct. Now here is the tragedy is a play which end in the death of the hero or the main characters. इसमें इसका जो story का end होता है उसमें heroes का जो है death हो जाता है, तभी हम उसको sad के रूप में लेते हैं। sadness का मतलब ये होता है कि उसका जो main character है, जो main hero है, उसका death होना अनिवार्य है। It is necessary to गेट द डेथ ऑफ द हीरो ऑफ द प्ले, और दैट इज वही ट्रेजडी। सेकेंड हिस्टोरिकल प्ले है, तो हिस्टोरिकल प्ले एक कंसर्न करता है विद द लाइफ एंड रीन ऑफ द ब्रिटिश किंग सच एज हेनरी फोर्थ है। तो जो ब्रिटिश किंग से रिलेटेड जो भी स्टोरी है उसको हम लोग कहते हैं कि यह हिस्टोरिकल प्ले उसने लिखा। तो हिस्टोरिकल प्ले में जो है जैसे हेनरी फोर्थ का है, हेनरी फिफ्थ का है, एलिजाबेथ का है, एंड सो ही हैज़ रिटन अबाउट द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ द ब्रिटिश। सो यह हमारा जो है हिस्टोरिकल प्ले हो गया। और सेकेंड थर्ड होता है कॉमेडी। तो कॉमेडी है क्या, व्हाट इज कॉमेडी? तो कॉमेडी को शेक्सपियर ने डिफाइन करता है कि कॉमेडी जो है पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि कॉमेडी हैज़ हैपिंग एंडिंग, इट इज़ नॉट मेयरली अम्यूजिंग। हैपिंग एंडिंग होता है इसका, and it is not merely amusing, sometimes it has the capacity to make people think and might have a serious purpose behind it. इसके पीछे एक serious purpose भी होता है, और यह एक amusement का जो है बहुत ही amusement देता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज है सारे कॉमेडीज में से। मर्चेंट ऑफ वेनिस वास्तव में बहुत ही अच्छी कॉमेडी है, विच हैज एक्सप्लेन्ड द मॉरेलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इसमें मॉरेलिटी, आदमी की मॉरेलिटी के बारे में मर्चेंट ऑफ वेनिस में बताया गया है।
तो अ करेक्टर ऑफ साइलॉग इज अ इविल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जैसे कि हम साइलॉग को बताएं कि बहुत ही क्रूएल मर्चेंट था। अब इसकी कहानी जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि आखिर उसका जो है क्या रोल था, जो कि वह प्रोवोक करता है, हु प्रोवोक्स अस अ इविल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जिससे हमको पता चलता है कि समाज में ऐसे भी कुपित हृदय के सॉलेन हार्ट के लोग होते हैं जो कि एक कंडीशन के साथ जो है दूसरे की गरीबी परेशानियों में जो है उल्टा सीधा बिहेव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको जो है उसका एनी हाउ हमारा उसका वर्स्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, रियून हो जाए, पेरिस्ट उसको नष्ट करना चाहता है। तो उसमें जो एक बदले की भावना होती है, एक रिवेंज लेना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गेट द रिवेंज फ्रॉम द एंटोनियो। तो नाउ हियर इज एक्ट वन का सीन हम लेके चलते हैं, शुरुआत करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। स्टूडेंट्स ध्यान से टू टेक केयर, कहानी को ध्यान से आप सुनो आदर्श एंड मिस्टर ऋषभ एंड ऑल ऑफ यू लिसन द कैरेक्टर्स हम लोग लिख लें। हाँ यस, हाँ टू मेंशन द कैरेक्टर इन योर कॉपीज एंड टू बेसिकली टू नो दैट व्हाट आर द रोल ऑफ द कैरेक्टर्स। नाउ हियर आई हैव रिटन द पर्टिकुलर रोल ऑफ द ईच कैरेक्टर्स। एक्ट वन सीन वन, मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट वन सीन वन के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द फर्स्ट सीन एंड एक्ट वन। एंटोनियो द ग्रेट मर्चेंट है, बहुत सैड है। एंटोनियो द ग्रेट मर्चेंट इज़ वेरी सैड, बट ही कैन नॉट टेल हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से कह नहीं सकता है कि वट वॉज रीजन बिहाइंड हिज सैडनेस, कि उसके जो है सैडनेस के पीछे क्या वजह था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज सैडनेस। सो ऑल द फ्रेंड्स, जो उसके दोस्त हैं, दे ट्राई, कोशिश करते हैं टू मेक हिम लाफ, उसको हंसाने का। ऑल द फ्रेंड्स, सारे दोस्त चाहते हैं, ऑल द फ्रेंड्स वो चाहते हैं कि उसको किसी तरह से हम लोग हंसाएं, टू ट्राई टू मेक हिम लाफ, बट ही इज वेटिंग फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड, कि वो अपने अच्छे दोस्त बोजुम, जिसको हम लोग हृदय दिल की जो है दोस्ती, वो अपने अच्छे दोस्त का जो है इंतज़ार कर रहा है। नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड बसेनियो का, हु कन्फेसेस टू एंटोनियो, एंटोनियो को कन्फेस करता है, कन्फेसेस टू एंटोनियो दैट ही हैज़ स्पेंट ए ग्रेट डील ऑफ मनी। तो ही हैज़ स्पेंट ए ग्रेट डील ऑफ मनी एंड ऑल्सो दैट He is in love with Portia. वो कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है, क्योंकि वह Portia से उसे काफ़ी प्रेम करता है, Portia से उसे प्रेम हो जाता है, तो Portia से वो प्रेम करना चाहता है। प्रेम के बारे में कहता है कि मैं चाहता हूँ anyhow I want to get the Portia, to get the marry with Portia, और उस पर अच्छा पैसा खर्च करना है, तो पैसे की जो है उसे ज़रूरत पड़ता है, तो वह एंटोनियो से कहा है। वही बात एंटोनियो सोच में पड़ा हुआ है और उसका इंतज़ार कर रहा है अपने फ्रेंड बसेनियो का आने का, कि ही इज़ वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड कि एनी हाउ ही विल अराइव, व्हेन ही विल अराइव, कब आएगा। अब वह बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, और इसके बाद जो है प्रोसेस, बट एंटोनियो जो हैज़ नो मोर मनी, उसके पास, एंटोनियो के पास अभी हम बताए थे कि एंटोनियो उस समय धनी तो था, डाउटलेस ही वॉज वेरी रिच, बट उसका ज्यादा पैसा जो था वह व्यवसाय पर खर्च कर चुका था, उसके पास उस समय पैसे नहीं थे, उसके पास मनी नहीं था, और उसी परिस्थिति में, अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस में, उस विपरीत परिस्थिति में वह पैसे का डिमांड कर दिया उसका फ्रेंड, तो उसके फ्रेंड को भी देखना था। सो मनी टू लैंड बसेनियो को जो है देने के लिए जो है Portia, तो एंटोनियो हैज़ नो मोर मनी टू लैंड टू बसेनियो एट प्रेजेंट, वर्तमान में देने के लिए उसके पास उधार पैसे नहीं थे, बट ही कीप्स हिज प्रॉमिस, लेकिन उसने वादा करता है वो टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए, टू बोरो फ्रॉम द मनी लैंडर्स, किसी जो है मनी लैंडर्स से हम जो है क्या करेंगे, कर्जा ही ले लेंगे, and so that he can visit Portia, जिससे कि हम लोग Portia के यहाँ Belmont जा सकते हैं और Belmont जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो पैसे कहा कि अब किसी अन्य से जो है मनी लैंडर से, एनी हाउ आई कैन लैंड द मनी फ्रॉम एनी मनी लैंडर्स, और हम लोग Belmont चलेंगे, तो ये सोच करके वो काफ़ी दुखी था। नाउ हेयर इज द सेकेंड सीन, पर सेकेंड सीन Portia एंड Nerissa जो है टॉक अबाउट द टेस्ट विच Portia शूटर्स मस्ट टेक,
some men already come to Belmont in the hope of the marriage. बहुत सारे लोग वहाँ तो बेलमोंट पहुँचे थे उसे शादी करने के लिए, लेकिन सबको वो रिफ्यूज़ कर दी थी तो मैरिंग हर. बट व्हेन पोर्सिया डिस्क्राइब देम सी मेक्स फन ऑफ देम एंड शोज हर डिसलाइक. फाइनली नैरिशा रिमाइंड्स हर ऑफ बसेनियो. तो सब लोग तो चले गए, लेकिन नैरिशा जो उसकी फ्रेंड है वो कहती है पोर्सिया से बसेनियो के बारे में, उसके करेक्टर्स के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में. और इस तरह से वो जो है उससे जो है इंटरेस्टेड होती है कि मैं ये पोर्सिया एंड नैरिशा टॉक अबाउट द टेस्ट विच पोर्सिया सूटर्स मस्ट टेक. सम मैन हैव ऑलरेडी अराइव टू बेलमोंट इन द होप ऑफ मैरिंग, शादी के उद्देश्य से, आशा से, मेकिंग ए मैरिंग. बट व्हेन पोर्सिया डिस्क्राइब्स देम सी मेक्स फन ऑफ देम एंड शोज हर डिसलाइक. तो फाइनली नैरिशा रिमाइंड करती है उसको, पोर्सिया को रिमाइंड पोर्सिया कि अब बसेनियो के बारे में, कि बसेनियो के बारे में पोर्सिया को रिमाइंड करती है. ये हमारा जो है सेकेंड सीन था. थर्ड एक्ट में जो है सीन थर्ड और एक्ट वन में हम सैलाक को देखते हैं कि सैलाक इज एबल टू लैंड मनी टू बसेनियो को देने के लिए. सैलाक के पास धन तो था. सैलाक वॉज अ रिच मर्चेंट एंड ही वॉज एबल कैपेबल टू स्पेंड मनी. तो सैलाक इज एबल टू लैंड मनी टू बसेनियो, बट ही मेक्स इट क्लियर दैट ही हेट्स एंटोनियो. एंटोनियो को घृणा करता है क्योंकि उन दोनों का रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, आपस में धार्मिक जो है उनके अंदर जो है विद्रोह था, आपस में वो दोनों अलग अलग प्रोटेस्टेंट और जो है उनका जो यहूदियों में जो है रोमन थे और क्रिश्चियन अलग अलग हो जाते हैं, तो उनमें दोनों में जो है आपस की लड़ाई थी. तो एक तो धार्मिक सहिष्णुता, दूसरा चीज़ कि उसके स्वभाव से मैच नहीं करता था. वह धनी तो था सैलाक, लेकिन उसके अंदर नोबल हार्ट नहीं था, जबकि एंटोनियो के पास पैसा तो था लेकिन उसके अंदर नोबल हार्ट था. दोनों में कन्फ्लिक्ट था इस बात का कि जिसके पास नोबल हार्ट है, नोबल माइंड का है, और उसके पास पैसा है, तो वो दोनों चीज़ जो है एंटोनियो को बहुत महान बनाता है, जबकि सैलाक के पास जो है पैसा तो है, धनी है, रिच पर्सन है, लेकिन उसके पास जो है वो नोबल हार्ट की कमी है, नोबल माइंड का नहीं है, वो बहुत ही गंदा स्वभाव का है. तो नाउ सैलाक इज एबल टू लैंड मनी टू बसेनियो, बट ही मेक्स इट क्लियर दैट ही हेट्स एंटोनियो. सैलाक एंड एंटोनियो अर्ज करते हैं अबाउट द मॉरलिटी ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट फ्रॉम द मनी लैंडिंग, एंड सैलाक रिमाइंड्स एंटोनियो ऑफ हिज पास्ट इंसल्ट्स. अपने अपमान को याद दिलाता है एंटोनियो को कि तुम्हारा अपमान किए हो, उसको बहुत अपमान करता है उसके गंदे आचरणों के लिए, करेक्टर्स के लिए, कि तुम जिंदगी अपना पैसे में ही लगा देते हो, तुम्हारे पास हार्ट और माइंड का जो है नोबिलिटी नहीं है, तुम कितने गंदे हो. तो अब इधर जो है वो सैलाक रिमाइंड्स करता है एंटोनियो को ऑफ हिज पास्ट इंसल्ट के बारे में. हाउ एवर ही एग्रीज टू लैंड द मनी, बट ही आस्क फॉर अनयूजुअल बॉन्ड. लेकिन वह पैसा तो देने के लिए तैयार है, ही वॉज रेडी टू स्पेंड द मनी, बट पर्टिकुलर एक बॉन्ड देता है, कहता है कि मैं आपसे उधार नहीं लूँगा, क्योंकि एंटोनियो कहता है कि भाई पूरे जो है वेनिस में जो भी लोग पैसा दें उसमें किसी प्रकार का ब्याज ना लें, सूद ना लें, और यह सूदखोर टाइप का है, इसका पूरा सूद पैसा जो है मिल नहीं पाता है, और पैसे के लिए जीता है और पैसे के लिए ही मरता है, तो इसलिए जो है उससे बदला लेने की विचार जो है ये सैलाक बना लेता है कि ये तो मेरा सारा व्यवसाय ही चौपट कर दिया. तो कहते हैं एक मौका मिला है तो इससे सूद हम नहीं लेंगे, क्योंकि तुम तो सूद के जो है अगेंस्ट में हो, लेकिन मेरा एक शर्त है, आई वॉन्ट टू पुट अप अ बॉन्ड. हाँ, तो उसने कहा कि मैं एक बॉन्ड आपके सामने रखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू पुट अ बॉन्ड बिफोर यू. हमारा एक शर्त होगा और शर्त के अनुसार मैं आप लोगों को क्या करूँगा, पैसे दूंगा. नाउ हियर इज द फर्स्ट फर्स्ट एक्ट एंड शुरू. एक्ट टू सीन वन. पोर्सिया मीट्स The prince of Morocco who wants to marry her. He chooses to try his luck with the cascades. Although she's five
warns him of the penalty he must pay if he makes the wrong choice. अब इस सीन में जो है एक्ट टू में पोर्सिया जो है प्रिंस मोरक्को के प्रिंस से मिलती है और हु वांट्स टू मैरी जो कि उससे शादी करना चाहता है पोर्सिया से हु वांट्स टू मैरी हर ही चूज टू ट्राई हिज लक विद द कास्केट से जो है उसने अपने भाग्य को आजमाने का कोशिश करता है ऑल्दो सी फाइव वांट्स हिम ऑफ द पेनल्टी ऑफ मस्ट ही मस्ट पे इफ ही मेक्स द रॉन्ग चॉइस वो कहती है कि अगर उसका जो है आंसर गलत होता है उसके कास्केट बॉक्स को चूज करने में तो उस पर एक पेनल्टी लगाई जाएगी. नाउ एक्ट टू सीन टू लॉन्सिलॉट गोबो जो है साइलॉग का सर्वेंट है फर्वेंट ऑफ साइलॉग इज वंडरिंग वेदर आउट टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर और गोबो हिज फादर कम्स ऑन द स्टेज इन सर्च ऑफ हिज सन एंड बिकॉज ही इज ब्लाइंड ही डज नॉट रिकॉग्नाइज लॉन्सिलॉट who plays a rather cruel trick on him. Or Gobbo asks Bassanio to give employment to Lancelot, which Bassanio agrees to do. Bassanio agree हो जाता है उसको रखने के लिए. Grosino also asks a favor from Bassanio. He wants to accompany him to Belmont. Bassanio agrees, but he warns Grosino that he must behave properly. अब वो ग्रेसिनो को वहाँ पर एग्री हो जाता है बसेनियो ले जाने के लिए उसको बेलीमोंट में, क्योंकि बेलीमोंट में पोर्सिया के यहाँ जाना है. लेकिन कहता है कि वहाँ तुम्हारा बिहेव जो है पॉजिटिव होना चाहिए, वहाँ जाने पर तुम उल्टा सीधा बिहेव मत करना. अब जो है नेक्स्ट सीन में जो है नेक्स्ट सीन इज हियर एक्ट टू एंड सीन थ्री लॉन्सिलॉट सेज गोबो टू साइलॉग्स डॉटर से कहता है जेसिका से हु इज सॉरी टू सी हिम एंड बसेनियोस फ्रेंड. अब यहाँ पर सीन टू जो है हमारा एक्ट टू और सीन फोर में जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि बसेनियोस का फ्रेंड हैव प्लानेड एक योजना बनाया हैव प्लानेड सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट some kind of entertainment act 2 scene 4 Bassanio's friend have planned some kinds of entertainment to amuse the guest at dinner. Lancelot gives Lorenzo a letter from Jessica and Lorenzo explained his intentions to the audience. अब यहाँ बसेनियो का जो फ्रेंड है वो प्लान करते योजना बनाया कि इसे जो है कुछ इंटरटेनमेंट करने के लिए टू अम्यूज द गेस्ट के साथ जो है डिनर पर तो लॉन्सिलॉट देता है वो जो है लोरेंजो का जो है लेटर जेसिका से ला करके एंड वह जो है एक्सप्लेन करता है लॉरेंजो एक्सप्लेन किया अपने इंटेंशियस को जो है अपने डिनर पर बैठे हुए उन सब ऑडियंस के सामने. अब यही सीन जो है आगे चलता है तो एक्ट टू में सीन फाइव आता है तो एक्ट टू सीन फाइव में जो है साइलॉग जो है इंस्ट्रक्ट करता है जेसिका को टू लॉक अप द हाउस घर को बंद करके रखना. हे डॉटर माय जेसिका लॉक द डोर दरवाज़ा बंद करके रखना केयरफुली सावधानीपूर्वक. ही देन गोज ऑफ टू हैव डिनर विथ बसेनियो और तब वह जो है बसेनियो के यहाँ जो है डिनर पर चला जाता है. एक्ट टू सीन सिक्स में जो है दिया है कि लोरेंजो एंड हिज फ्रेंड मेट आउटसाइड साइलॉग्स हाउस पर मिलते हैं. जेसिका अपीयर्स ऑन द बालकोनी पर आती है जेसिका और बालकोनी पर खड़ा होकर के वहाँ से देखती है रेदर इम्प्रेस्ड बिकॉज सी इज ड्रेस्ड एज ए बॉय वह एक लड़के के ड्रेस में वहाँ पहुँची है बालकोनी में. एक्ट थ्री सीन वन में है कि सेलेरियो जो है हैज़ हियर बैड न्यूज़ एक बुरा समाचार सुना अबाउट वन ऑफ द अंटोनियोस शिप पर कि साइलॉग 310 अंटोनियोस
When Psylocke and Table are left on the stage together, he gloats over Antonio's danger. Psylocke's pleasure over his master is equal to pain. Equal to the pain, he suffers in the loss of daughters, loss of his daughter. अब सेलेरियो जो है सुना एक बैड न्यूज़ जो है वन ऑफ एंटोनियो के शिप के बारे में, जो उसकी समुद्री जहाज़ के बारे में. Psylocke जो है थ्रीटेंट्स एंटोनियो. Psylocke जो है एंटोनियो को जो है थ्रीट देता है. व्हेन Psylocke एंड टेबल्स आर लेफ्ट ऑन द स्टेज टुगेदर, ही ग्लोट गड़गड़ाता है, ग्लोट करता है ओवर एंटोनियोस के जो है उस भयानक स्थिति पर. Psylocke's pleasure over his this master is equal to the pain he suffers in the loss of his daughter. Act 3 और सीन 2 में ये है कि पोर्सिया हैज फॉलन इन लव विद द बसेनियो, के पैर में पोर्सिया पड़ जाती है. पोर्सिया जो है बसेनियो से काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है. एंड वांट्स हिज टू वेट अ फ्यू डेज बिफोर मेकिंग हिज चॉइस ऑफ हिज कास्केट्स. अब वो जो है इंतज़ार करती है, वांट चाहती है हिज वेट अपनी प्रतीक्षा में ए फ्यू डेज बिफोर मेकिंग हिज चॉइस ऑफ दिस कास्केट का चुनने में जो है वो सही कास्केट को चुन ले. बट बसेनियोस रिफ्यूज टू वेट, वो इंतज़ार करना रिफ्यूज कर देता है. ही मेडिटेट्स अलाउड ऑन द डिफरेंस बिटवीन अपियरेंस एंड रियलिटीज and then choose the laden caskets and win Porcia for his wife. अब वहाँ पर लेडन लिट का जो कास्केट था बक्स, उसको जो है चूज कर लेता है और इस तरह से पोर्सिया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है, वह जीत जाता है. नरिशा एंड ग्रेसिनो कांग्रेचुलेट करते हैं उसको. नरिशा एंड ग्रेसिनो कांग्रेचुलेट हिम, उसको बधाई देते हैं. एंड ग्रेसिनो डिक्लेयर्स करता है हिज ऑन मैरिज प्लान्स, और ग्रेसिनो जो है अपना भी शादी का प्लान जो है जेसिका के साथ फाइनल करता है. लोरेंजो एंड जेसिका अराइव एट बेलमोंट में आ गए एंड टुगेदर विद द सिलेरियो के साथ, who has brought a letter from Antonio, से एक पत्र लेकर आए. Antonio has written to say he is in Psylocke's power. कहने के लिए कि he is in Psylocke's power, Psylocke के जो है पावर में है. Act 3 सीन 4 में है कि Porcia asks Lorenzo से पूछी to look after he to do until she and Nerissa's return, जब तक कि Nerissa और वह लौटे नहीं. They are going to Venice and plan to dress as a man to play a trick on their husband. की पति का जो है एक ट्रिक जो है दो बनाने के लिए. एक 4-5 में जो है कि लंसिलेट जो है वो टीज करता है, चिढ़ाता है जेसिका को अबाउट हर जेविस नेशनलिटी पर. हर हस्बैंड लोरेंजो एंड ज्वाइंस इन द फन, और इस आनंद में मजा में एक साथ ही लोग ज्वाइन करते हैं. एक्ट 4 सीन 1 में द ड्यूक साइड ड्यूक जो है राजा Psylocke टू सो मर्सी टू एंटोनियो. एंटोनियो को जो है मर्सी दो Psylocke, बट Psylocke रिफ्यूज एंड इंसिस्ट ऑन हैविंग हिज पॉन्ड ऑफ फ्लैश. कितना भी समझाने पर पैसा तो वो क्रेडिटेड कर देता है Psylocke एंटोनियो को, और बॉन्ड देता है कि अगर तो आप जो है एक निश्चित समय पर अगर पैसा नहीं लौटाते हो तो ए फ्लैश ऑफ मीट जो है आपके हार्ट के बगल के मांस से निकाल लिया जाएगा. और वह डेट जो है बीत जाता है, इसका जो है नतीजा ये होता है कि उसके फ्लैश ऑफ मीट निकालने के लिए जो है वो Psylocke जो है कहता है एंटोनियो के हार्ट से जो है फ्लैश ऑफ मीट निकाल लिया जाए. इस पर जो है ड्यूक कहता है Psylocke से टू सो मर्सी टू एंटोनियो, पर जो है तुमको दया देनी चाहिए. बट Psylocke रिफ्यूज कर देता है एंड इंसिस्ट ऑन हैविंग हिज पॉन्ड ऑफ फ्लैश, और एकदम उस पर रिजिट हो जाता है कि हमें उसके जो है फ्लैश ऑफ पॉन्ड चाहिए, मतलब उसका मीट हम काटेंगे. ए यंग लायर कम्स इन टू द कोर्ट, आती है इट इज़ अ Porcia. एक लायर आती है Porcia, जो कि बसेनियो की पत्नी है, आती है कोर्ट में ड्यूक के और कहती है इट इज़ Porcia इन डिस्प्यूट विथ Nerissa एज अ लॉयर क्लर्क. Porcia मेक्स ए स्पीच इन प्रेयर्स ऑफ मर्सी, वह एक दया की जो है भाषण देती है राजा की अदालत में Porcia एंटोनियो को बचाने के लिए.
बट साइलॉक इज अनमूव्ड, लेकिन वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है. और पोर्सिया एग्रीज दैट ही इज लीगली इंटाइटल्ड अपॉन द एंटोनियोस फ्लैश एंड एंटोनियो प्रिपेयर्स टू डाई. एट द लास्ट मोमेंट पोर्सिया फाइंड्स अ वे ऑफ एस्केप फॉर एंटोनियो से बचाने का. बसेनियो इज वेरी ग्रेटफुल बिकॉज हिज फ्रेंड्स लाइफ हैज बीन सेव्ड बट जा एंड ही ऑफर्ड टू रिवॉर्ड द यंग लायर. पोर्सिया आस्क फॉर अ रिंग. अब किसी तरह से जो है पोर्सिया जो है उसके फ्रेंड को, बसेनियो के फ्रेंड एंटोनियो को बचाना चाहती है. यह तो आश्चर्य की बात है कि एंटोनियो ने जो क्रेडिट किया बसेनियो के लिए ही किया था. बसेनियो और एंटोनियो की जो बेस्ट फ्रेंडशिप थी, इसलिए उसको बचाना चाहता है. नाउ हियर इज द एक्ट फॉर एंड सीन टू. ग्रेसिनो गिव्स अ बसेनियोस रिंग टू पोर्सिया हु इज स्टिल डिस्ग्यूज्ड एज ए यंग लायर एंड कम accompanied by Nerissa. As her clerk, Nerissa plans to give her own ring from Grecino. अब वो जो है अपना ग्रेसिनो को अपना जो है अंगूठी देना चाहती है. एक्ट 5 सीन 1 में लोरेंजो एंड जेसिका टॉक्स लविंगली इन द मूनलाइट. में चांदनी रात में बात करते हैं लोरेंजो और जेसिका. एंड मैसेज आर ब्रॉट टेलिंग देम दैट पोर्सिया एंड बसेनो आर सेपरेटली ऑन देयर वे होम. आफ्टर ए शॉर्ट टाइम पोर्सिया एंड नेरिसा अराइव एज बेलमोंट में आते हैं. लिटिल लेटर एज ए डे ब्रेक बसेनियो एंड ग्रेसिनो आल्सो अपियर होते हैं. द वाइफ आस्क देयर हस्बैंड्स फॉर अ रिंग एंड प्रिटेंड टू बी एंग्री. एट लास्ट दे रिवील द ट्रूथ. अब ये जो है अंत में ये कहानी का जो कॉमेडी का सेंस जो है साइलॉग के जो है उस ड्यूक के कोर्ट में पोर्सिया ने लास्ट में कहा कि यह मर्सी जो है डिवाइन क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड है, गॉड हैज़ द मर्सी, भगवान के पास भी दया है. तो यह प्रकृति भी नेचर हैज आल्सो मर्सी, नेचर के पास भी अपना दया है. इट इज़ इट सेल्फ अ मर्सीफुल, अपने आप में यह जो है दयावान होती है. इसलिए दया हमारा मनाव का गुण होना चाहिए, दया के बगैर कुछ नहीं हो सकता है. और इस तरह से जो है एट लास्ट सीन में जो है वो मानता नहीं है, वो अनमूव्ड नहीं होता है साइलॉग. तो कहती है कि ठीक है तुम तो मांस तो काट लो, ए फ्लैश ऑफ मीट निकाल लो, बट वन थिंग कि उसका ब्लड का जो है एक भी सीड जो है हमारी पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए. अंत में जो है साइलॉग को अपने कंडीशन अपने बॉन्ड से जो है उसको हटना पड़ता है और साइलॉग को पनिशमेंट हो जाता है, एंटोनियो सेव हो जाता है. It is the analysis of this comedy. I have made an analysis of this comedy in scene-wise and act-wise, but it is not a detailed study of the Merchant of Venice. After this, I will teach you detailed study of this Merchant of Venice. One by one scene, I will be explained, and you after explanation of this comedy. I will teach you how will you write the answer of the question, how will you write the short note of this comedy, and even how can you write the sketch character of the characters.